नमस्कार, आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का इस मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज टेस्ट सीरीज 5 चल रहा है। मैं आपको किताब दिखा सकता हूँ, यही किताब लगातार चल रहा है, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर। टेस्ट सीरीज 5 देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट हो रहा है। आपके पास बुक है तो बुक लेके बैठिए। 111 डिवाइडेड 33 डिवाइडेड 22 बड़ी कोष्टक और मंझली कोष्टक, यानी सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है ये। तो 111 क्वेश्चन नंबर 16 है। 111 डिवाइडेड बड़ी कोष्टक 33 डिवाइडेड मंझली कोष्टक 22 डिवाइडेड -2 का माइनस, ये 5 - 4 छोटी कोष्टक से बंद है और अंत में मंझली कोष्टक से बंद करके बड़ी ब्रैकेट से बंद करके डाटा इसके बन लो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट। तो देखिए, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में है क्या ये, तो सबसे पहले आपको इसको रिमूव करना है जहाँ पे आपका का सिंबल है। का अर्थ होता है गुना, यानी ये तो हट के अभी गुना हो जाएगा, ठीक है। 5 में 4, अगर 5 में से 4 घटाएंगे 1 गुना करेंगे -2 में क्या होगा -2, और -2 से अगर डिवाइड करेंगे 22 में तो कितना हो गया भाई -11, और -11 से 33 भागा देंगे कितना गया -3, और -3 से भागा देंगे 111 में 3 * 3 = 9 और 2 * 3 = 21 -37, ये आपका ऐसे आंसर होगा। ऐसे बनाएंगे तो सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी गई जितने में उसे खर्च चलाना था। हालांकि उसने अपने प्रवास को और 6 दिन बढ़ा दिया गया था, 6 दिन बढ़ा दिया गया। पहले 8 दिवसीय बिक्री अभियान के लिए यात्रा का ख्याल रखा था 8 दिवसीय के लिए, लेकिन 6 दिन और बढ़ा दिया। तो उसका होता है कि औसत दैनिक यात्रा भत्ता 120 रुपया कम गया, राशि उतना ही है, दिन बढ़ा दिया राशि उतना ही है। तो कितना, लेकिन जब दिन बढ़ा तो स्वाभाविक है औसत दैनिक जो खर्च होता है वो कमेगा ही, तो 120 रुपया कम हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि स्वीकृत की गई, तो शुरुआत में इसका मतलब 8 दिवसीय नहीं, 8 दिनों का पूछता है कितना स्वीकृत किया गया था 8 दिनों के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 8 दिन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ये पूछ रहा है शुरुआत में, जबकि 6 दिन बढ़ने के बाद कितना हो गया भाई 14 दिन हो गया। 8 दिवसीय 6 दिन जो है और बढ़ा दिया गया, कितना हुआ 14 दिन। इसका मतलब क्या है, जब 6 दिन बढ़ा था कितना हुआ 120 रुपया औसत दैनिक खर्च में कमी आ गया। अब क्या करेंगे हम, 14 गुना 120 अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 * 12 = 24 कितना हुआ 28। ये जो निकला आपका 8 दिनों का औसत दैनिक खर्च, 8 दिनों का औसत दैनिक खर्च, औसत 8 दिनों कुल नहीं, लेकिन जब हम कुल निकालेंगे कुल कितना अमाउंट होगा, कुल राशि 8 दिनों के लिए, तो 8 से गुना कर देंगे 28 * 8 = 24 ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन किस ढंग से करेंगे, आंसर सेम ही आएगा कैसे। आप मैथ बनाने का अलग अलग तरीका होता है, आप भी बनाएंगे सही तो आंसर उतना ही आएगा। चलिए, अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब है कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। 18 वर्ष पहले की बात है। एक साइरस नाम का एक लड़का है और एक निखिल है। कहता है कि साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था 18 वर्ष पहले। यदि ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 1 = 2.5 होगा। चलिए भाई, दोनों का रेशियो लेते। अब कहता है कि वर्तमान आयु का योग, दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है भाई,
वर्तमान आयु का योग क्या है? 92 वर्ष। 92 वर्ष। आप देखिए ये है वर्तमान का उम्र है, जबकि 18 वर्ष पहले के उम्र का आयु का अनुपात है। तो जब तक ये 18 वर्ष पहले उम्र के आयु का अनुपात, 18 वर्ष पहले दोनों का आयु का योग क्या होगा? तो इसमें घटाएंगे 18 वर्ष पहले तक ना, कितना घटाएंगे? दो व्यक्ति है, इसमें दो से गुना करेंगे, कितना 18 कितना 36। यदि हम इसमें 36 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 8 में से 3 गया 5, यानी 18 वर्ष पहले जो है दोनों के आयु का योग कितना हुआ? 56 वर्ष। यदि हम यहाँ से इसका अनुपाती क्यों कर लेंगे दोनों को, दोनों के आयु का योग, क्योंकि 18 वर्ष पहले दोनों का आयु का योग ये होगा, इतना बराबर इतना, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 का वैल्यू निकलने का मतलब निखिल का आयु निकलेगा। देखिए 2.5 + 1 कितना हुआ? 3.5। यहाँ भागा देंगे 3.5 से 1 का वैल्यू निकल जाएगा, दशमलव को हटाएंगे कितना होगा भाई? 10। 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 5 × 2 = कितना हुआ? 10। 8 × 2 = कितना हुआ? 16। निखिल का आयु जो है 18 वर्ष पहले 16 वर्ष था, 18 वर्ष पहले निखिल का आयु कितना हो गया? 16 वर्ष। पूछता है वर्तमान आयु क्या होगा? 18 वर्ष जोड़ देंगे इसमें, 16 में जोड़ दीजिए 18, 34 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे क्या है? ये तो 19 नंबर है, इसमें कंपोजिट नंबर्स कौन सा नहीं है, ये तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन है बड़ा नंबर, लेकिन आपको लगेगा कि बड़ा नंबर को कैसे हम पकड़ पाएंगे। देखिए नया तरीका बताते हैं आपको। 943 है, 409 है, 323 है और 713 है। कोई भी अगर कोई बड़ी संख्या आकर दे दे और उसको पहचानने के लिए कहे कि कंपोजिट नंबर है, इसमें से कौन नहीं है या है, तो ध्यान रखेंगे कि ये नंबर बताइए किन दो प्राकृत संख्याओं के घनों के बीच आता है। देख लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये 9 का घन और 10 के घन के बीच का नंबर है, ये 729 होता है, ये 1000 होता है, ये दोनों के बीच का नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों को नंबर को जब जोड़ेंगे तो ये 19 से नहीं कटेगा, इसके अगले वाले संख्या से कटेगा, अगले वाले प्राइम नंबर से। अगला प्राइम नंबर क्या होगा भाई? 23 होगा। आप देखेंगे 23 से कटता है कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा कि ये 409 अगर 7 का करते हैं तो 343 होता है, और 7 का क्यू अगर करते हैं 343 और 8 का क्यू होता है 512, 8 7 कितना हुआ? 15। इससे जो बड़ी संख्या आगे जो प्राइम नंबर से होगा ये कटने की संभावना अगर है तो है, नहीं तो नहीं। अब देखिए 323 क्या है? 323 क्या है? 6 का क्यू और 7 के क्यू का बीच का नंबर है, तो 700 कितना हुआ? 13। इससे कोई अगला प्राइम नंबर से ये डिविजिबल होगा, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखेंगे कि इसका मतलब कंपोजिट नंबर नहीं है। इसको देखिए 713 जो है ये आपका 713 का मतलब हो गया कि ये 8 का क्यू और 9 के क्यू के बीच का नंबर है, तो 9 8 कितना हुआ? 17। अब देखिए 23 से काटते हैं, 23 चौक 92 23 का 23, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है जो परफेक्टली कट गया, जो नहीं कटेगा वही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 17 है, ये तो तुम्हारा कट गया। लास्ट पर देखिए फिर पिछला नंबर देख लेते हैं, 17 से ही कटेगा नहीं, 19 से काट के देखते हैं, 19 चौक कितना हुआ? 76, 19 × 57, 4 × 24 = 5, नहीं कट रहा है। इसका मतलब 23 से काटते हैं, 23 × 69 = 2, 23 × 23, इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। ये कितना हुआ? 13 के बाद कितना आ गया? 17 काटते हैं, 17 × 17 = 5, 2 × 1 = 17, 9 × 3 = 18, ये भी कट गया। इसका मतलब तीन नंबर ये कट गया, ये भी और ये भी और ये भी, इसका मतलब 409 ऐसा एक नंबर है जो कि ये भाज संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ऐसे ही बड़े बड़े नंबर को आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो आइडियस मारना पड़ेगा, आप आइडियस मारेंगे गलत हो जाएगा। एक नया तरीका आप सीख लीजिए बढ़िया। चलिए
अब है चार संख्याएं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। चार संख्याएं भाई ए बी सी और डी का जो एवरेज है आपका 26 है चारों संख्याओं का। यदि चारों संख्याओं का कुल योग अगर हम निकालेंगे तो चार से गुना कर देंगे 26 को कितना हुआ 174 से 404। और ए और बी का जो है औसत, ए और बी का जो कहता है एवरेज कितना दिया हुआ 19.5, ये एवरेज दिया हुआ ए और बी का। जब हम ए और बी का कुल योग निकालेंगे दो से गुना कर देंगे कितना हो गया भाई 39। तब बच गया क्या सी और डी का योगफल निकल जाए, घटा दिए 14 से 5 गया, 14 में से 9 गया 5 और 9 में से 3 गया 6, ये निकल गया सी और डी का योग। जब एवरेज निकालिएगा तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 3 6 2 2 4 2 5 10 32.5 निकल के आ गया। ऐसे बनाएंगे ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम है बहुत, इसमें हम दो पार्ट करके करेंगे। चलिए तो लास्ट में है, एक ऋण भुगतान 5,808 रुपया की दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यानी देखिए किस्त वाला इंस्टॉलमेंट वाला प्रॉब्लम है, वैसा एक बार मैंने आपको बताया था इंस्टॉलमेंट वाला प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है। तो किस्त कितना का बांध दिया 5,808 रुपया का दो समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाता है इंस्टॉलमेंट तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है, ब्याज की दर है 10% वार्षिक, तो ऋण की कुल राशि कितनी है, यानी प्रिंसिपल पूछता है मूलधन क्या होगा कि उसकी कुल राशि कितनी होगी जिसका इंस्टॉलमेंट दिया जाना पड़ा 5,808 रुपया। इंस्टॉलमेंट किस्त कितना का बनाया भाई 5,808 रुपया का, ये किस पर लगाया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। रेट कितना दिया हुआ है 10% आपका एनुअल दिया है, वार्षिक लगता है। तो 10% का मतलब देखिए कैसे बनता है, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, 10/100 1/10 हुआ। ऊपर वाला पार्ट होता है इंटरेस्ट, नीचे वाला पार्ट होता है मूलधन। मूलधन को यदि हम जोड़ेंगे ब्याज तो क्या निकल जाएगा, मूलधन को यदि ब्याज जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिश्रण अमाउंट। तो 10 कितना हुआ 11, ये हुआ अमाउंट और 10 हो गया आपका प्रिंसिपल। टाइमिंग कितना है दोस्त, वार्षिक समान किस्तों में कहता है 2 ईयर्स के लिए, तो ध्यान रखेंगे देखिए क्या करते हैं। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका हो गया मिश्रधन। इसका मतलब है कि 2 ईयर्स के लिए दो वार्षिक समान किस्तों में अगर भुगतान किया जाना है, एक बार इसको करना है स्क्वायर। दो का मतलब क्या है, इस पर भी स्क्वायर करेंगे, इस पर पावर देंगे, इस पर भी दो देंगे पावर। 10 कितना हुआ 100, 11 कितना हुआ कैसा से। ये जो देखिए आप जो ये आपको दिया हुआ इंस्टॉलमेंट का एक किस्त दिया हुआ, एक किस्त बनाया इतना का, तो इंस्टॉलमेंट इसमें ध्यान दीजिएगा कि इंस्टॉलमेंट का इसमें कौन सा पार्ट है। इंस्टॉलमेंट का पार्ट जब भी होता है ये वाला होता है, इसका मतलब ये भाग इसके बराबर दिया हुआ है 121/5,808, ये इंस्टॉलमेंट का पार्ट होता है। और ध्यान रखना कि मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन अभी नहीं निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, जब जो चीज दिया हुआ है उसको बराबर करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये इंस्टॉलमेंट दिया हुआ, इंस्टॉलमेंट का पार्ट को बराबर करना है, इसका मतलब 121 है, ये 11 है। यदि हम यहाँ से 11 गुना करेंगे इसमें भी 11 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ तो कितना हो गया भाई 110 हो जाएगा, ये इसको काट दिए 110 हो जाएगा, ये अगर करें कितना हो गया 121 जोड़िए तो कितना हो गया 210 और ये कितना हो गया 242। ये पूरे कुल मिश्रधन हो गया, ये कुल मूलधन हो गया। कुल मूलधन देखिए आप निकलिए कैसे निकलेगा, 121 इंस्टॉलमेंट के पार्ट से इंस्टॉलमेंट के पार्ट से भागा देना है 121। यदि हम इसमें भागा देते हैं 5,808 रुपये में तो आपका कितना आएगा 48 आएगा, और 48 गुना कर देंगे 210 से क्योंकि पूरा मूलधन निकालना है। तो 210 गुना 48 गुना कर दीजिए भाई 101 21 21 18 68 से बाकी 16 21 84 84 16 कितना 6 4 10 8 1 9 10। इसका मतलब 10,080 रुपया जो आपका कुल धनराशि कितना था 10,080 रुपया। आप इस टाइप से बनाएंगे इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। चलिए ये फर्स्ट पार्ट हुआ है और हम कल सेकेंड पार्ट में कम से कम 10 को प्रॉब्लम और इसमें बचा हुआ है। इसी के साथ आप सबों को नमस्कार, बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं अपने YouTube चैनल सफलता कोचिंग सेंटर बनमन की पूर्णिया और Facebook लक्ष्मण कुमार पटेल Facebook जो आप लोग लगातार देख रहे हैं।
आप देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करने से बताओ हम लोगों के लिए।